अमार को मैंने छत पे लॉक कर दिया। आज रात की मानी में चाय पचाया हुआ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है, बल्कि बढ़िया नहीं है यार, आज बढ़िया नहीं है। कल मट्टी का तूफान आया तो सारा घर मट्टी मट्टी हो गया, और हमारी पूरी फैमिली को डस्ट एलर्जी है, तो मेरी भाई तबीयत खराब हो गई है। बाकी मैंने वीडियो रेंडर पे लगा लिया, जैसे ही दिन के 2 बजेंगे मैं अपलोड कर लूँगी, क्योंकि यार आजकल मैं 2 बजे अपलोड करती हूँ वीडियो। अभी पता नहीं कब तक मेरी तबीयत सही होगी मून की तरह, पहले मून की तबीयत खराब थी। हाँ तबीयत, मुझे भी फ्लू हो गया यार, डस्ट एलर्जी। मून की तबीयत सही हुई है, अभी मेरी तबीयत खराब हो गई यार। अभी चाय पी के ही गुजारा करना पड़ेगा, स्पाइसेस फिर से बंद हो गए मेरे। वो देखो यार, खुश हो रहा है। मतलब यार भाई भाई होते हैं, छोटे हों या बड़े। तो गाइज, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो इसी वजह से हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं भाई, चेकअप करवाने। अभी मैं सोच रही हूँ जब भी मैं बाहर निकलूँगी ना, मास्क पहन के निकलूँगी, ऐसे नहीं। कोई गाड़ी नहीं है, चल। आज पापा मेरी वजह से जल्दी घर आ गए। हाँ देखो कितना प्यार करते हैं पापा मुझसे, माशाल्लाह बोलो सब माशाल्लाह। दूसरी साइड से चले जाए ना, देखा मैंने बोला था ना, दूसरी साइड। तो अभी हम आए हुए हैं PSO पेट्रोल फिल करवाने, जो कि हम लाजमी करवाते हैं जब भी कहीं पे जाना होता है। तो वैसे यार एसी में दम ही नहीं है यार, पसीने ही नहीं सूख रहे मेरे। तो हाँ, हॉस्पिटल आ गए भाई, आयशा हॉस्पिटल। बस अभी चेकअप करवाते हैं, बाकी यार मैं कैमरा नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर अलाउ नहीं करते। बाकी यार मास्क पहन लूँगा। आ रही हूँ पापा। A few moments later. चेकअप करवा के आ गए, डॉक्टर ने एलर्जी की मेडिसिन दी हैं और परहेज का बोला कि भाई ठंडा पानी ना पियो, ठंडे पानी की वजह से भी तबीयत ख़राब हुई है और डस्ट की वजह से भी, तो एलर्जी की बस टेबलेट उन्होंने दे दिया। अभी घर जाऊंगी, खाऊंगी, फिर सो जाऊंगी। बाकी पापा अभी कहाँ जा रहे हैं? पॉटर खाने के लिए थे पिछले दिनों। कब? वो जो आए थे हम उधर ग्रासरी लेने के लिए बख्तावर रोड पर, वहाँ बाकर खाने का डब्बा रह गया। कब ली थी? उस दिन रात को। रात को तीन चार दिन हुए। अच्छा, और बाकर खाने का डब्बा ही रह गया था। हद होती है पापा, आप लोग कसवे यार। देखो यार, मेरी फैमिली जो है ना, बिल्कुल भुलक्कड़ है, कभी कुछ भूल के आ जाती है, कभी कुछ भूल के आ जाती है। रमजान में हर जगह पर यही होता है। हाँ पापा, रमजान में आपकी फैमिली के साथ नहीं है, हर किसी के साथ यही। वैसे यार रमजान में हम खजूर भूल के आ जाते थे और हॉक्स पे गए थे, उधर मैं कार का डोर बंद करना भूल गई थी। बहुत चीज पड़ी हुई थी, परस वगैरह। हाँ यार, शुक्र है चोरी नहीं हुई। वो आए हर से गाड़ी में पड़े थे, किसी ने उठाया नहीं। हाँ बच गए। अभी ये कल परसों शायद गए थे ना वो बकर खानी ले, तो उधर यार पैसे भी दे के आ गए, लेकिन भूल के आ गए बकर खानी। हद होती है ऐसे, पूरी फैमिली गई थी फिर भी भूल के आ गए यार। क्या बात है। तो यहाँ से हमने ली थी यार बाकर खानी। वैसे यार अभी तो मुझे बोलने में मसला हो रहा है, बोल ही नहीं पा रही हूँ। इतना टाइम क्यों लगा लिया पप्पा, इतना टाइम क्यों लगा लिया। तो ये थी शुगर कोटेड बाकर खानी। क्या बोल रहे थे? वो कह रही थी बस आप भूल गए थे उसे ना। हाँ फिर कहते थे हमने पैसे गलत काटे थे, पैसे ज़्यादा बढ़ते हुए ले लो पैसों को, मैं शुक्र मसला नहीं। तो अभी हम सीधा घर जा रहे हैं, क्योंकि यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है पापा, बहुत ज़्यादा। हाँ क्या हो? पापा कह रहे हैं क्या हुआ है, डॉक्टर के पास भी पापा लेके गए, बोल रहे हैं कि क्या हुआ है, पता नहीं किन ख्यालों में घूम रहे पापा। नहीं तो उससे ज़्यादा मसला हो गया। नहीं पापा, पहले था ही नहीं मसला।
पे तो लंच किया जा रहा है। नहीं यहाँ पर मंझन जी मानी खाती कोई बने नहीं ऐसे ही बैठे हैं। नहीं गर्मी लग रही है, नहीं पंखे मुझे सर्दी लग रही है, ऐसी चल रहा है। मैं जा रही हूँ सोने, तुम लोग खाते रहो। 3 hours later बाकी यार मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो एक कमेंट है भाई रोज आता है गणेश नाम से, तो वो बोलते हैं कि भाई आपकी मदर टंग कौन सी है, पंजाबी है, आप सिंधी हैं, पठान हैं, कौन है, महाजर हैं, सही से बताएं। रोज़ ही पूछते हैं तो रोज़ मैं भूल जाती हूँ यार, तो आज मैं उनको बता दूं कि हम सिंधी हैं भाई और हमारी मदर टंग भी सिंधी ही है, हम सिंधी बोलते हैं। आपको समझ नहीं आएगी तभी हम ब्लॉग में नहीं बोलते, बाकी यार प्राउड टू बी सिंधी। मिली छोड़ो यार बकवास, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से उठा के दीवार से फेंक देता हूँ। अच्छे भाई हो ना? नहीं नहीं मैं अच्छा भाई नहीं हूँ, मैं बुरा भाई, बाहर बाहर फेंक देता हूँ। नहीं तो मैं खुद उठाऊंगा। हाँ उठाओ। अमर खोलो, अमर मैं पापा को बताऊंगी, खोलो यार अजीब हरकतें हैं इसकी, खोल खोल ना अमर खोल ना, तभी इसकी मैं पिटाई करती हूँ, अच्छा करती हूँ। आप लोग मना करते हो ना, ये पिटाई के लायक है। किसी ने भी मना नहीं किया गया, सब मना पिटाई करते हैं, तुम्हारे फेवर में होते हैं। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, हटो निकलो 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 यार, ये क्या तरीका है। अमार को मैंने छत पे लॉक कर दिया, अभी यहीं पे भटकता रहे। आज रात की मानी में चाय पचाया हुआ दिल्ली, वाह भाई वाह, या तुम्हें पसंद वाली भाजी। पापा मामा की बातचीत चल रही है, मैं इधर कमेंट ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। मतलब भाजी पचाई है या तरी हुई भिंडी? भाजी पचाई है। भिंडी मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊंगी भिंडी। असा तो खाइंदा से भिंडी, मां ना खाइंदम छो, मुखे ना वणंदिया। लेडी फिंगर ना वणंदिया तो ना, मुखे तो वणंदिया। मैं आपके फुल फैमिली का फैन हूं। अच्छा, मेरे को आपके पापा का सबसे ज्यादा फैन हूं। यार एक तो यार कमेंट जब करते हो ना तो सही से लिखा करें, आगे पीछे हो जाता है। मेरे को आपके पापा का सबसे ज्यादा फैन हूँ, ये लिखा है, सही है। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, क्या नाम है इनका? पापा वेरी नाइस पर्सन है, मैं भी आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ, मेरा भी नाम ड्रॉप कर देना कल के वीडियो में, पंजाब से हूँ, हैप्पी नाम है मेरा। बहुत शुक्रिया हैप्पी, आप जी मैं नहीं जानता आपकी उम्र क्या है, मैं आपको बेटा बुलाऊं, भाई बुलाऊं। हाँ। चले जो भी हैं, हैप्पी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने so इतना much. प्यार दिखाया, इतना जो है वो जबरदस्त कमेंट्स किए। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल बहुत। और मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा भी आप इस तरह के कमेंट्स करते रहे। बिल्कुल भाई, अगर आप पापा के पक्के वाले फैन हैं तो। बाकी गाइज यार मैंने ब्लू लाइनर लगाया तो कमेंट करके ये भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है। मोहन ने किस टाइम जैसे ही तुम गई मैं शोर मचाने शुरू हो गया, मोहन आया निकाल दिया। मुझे क्यों बंद किया ये बताओ, तुमने मुझे क्यों बंद किया? मैंने तो बदला लिया। हाँ तो बस ना पूरा हो गया, चलो निकलो, चलो शाबाश शाबाश निकलो। तो सब डिनर कर रहे हैं भिंडी के साथ और मैं दोपहर वाला सालन खा रही हूँ भाई चपाती के साथ, क्योंकि यार मुझे भिंडी नहीं पसंद, क्या करूँ यार, खाती हूँ तो उससे भी मुझे एलर्जी है यार। ऐसी दो तीन सब्जियाँ जिससे मुझे एलर्जी है, भिंडी गोभी और भी बहुत सारी हैं, तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है उससे। बाकी यार अभी डिनर करते हैं और दो तीन कमेंट्स रह गए थे, जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि हर वीडियो के एंड में आप लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ूँगी, तो अभी कमेंट्स पढ़ते हैं। सही है, शमन ग्रेवाल का कमेंट है कि भाई लव योर ब्लॉग्स, लव फ्रॉम लुधियाना पंजाब, थैंक यू सो मच शमन। बाकी अगला कमेंट पढ़ते हैं भाई मिर्ज़ा राजा की तरफ से, जब मैं आपका ब्लॉग देखता हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, अल्लाह सलामत रखे आपको और आपके घर वालों को, आमीन आमीन, आपको भी अल्लाह ताला सलामत रखे और थैंक यू सो मच। जब मेरा रिचार्ज ख़त्म होता है मैं हॉटस्पॉट कनेक्ट करता हूँ मगर आपका ब्लॉग देखता हूँ, क्या बात है यार, यही तो प्यार होता है, यही तो सपोर्ट होता है, ट्रू सपोर्टर की यही एक बात होती है भाई, कुछ भी हो जाए लेकिन वीडियो देखनी होती है उसे,
खैर थैंक यू सो मच यार इतना प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। तो आज के लिए इतने ही कमेंट्स थे, जितने आप लोग कमेंट्स करोगे उतने मैं पढ़ूंगी हर वीडियो में। बाकी आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया, वैसे छोटा बना है यार, मेरी तबीयत भी तो सही नहीं थी ना, तो अगर आपको आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।